हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुनील सिंह है, मैं भरतपुर से हूँ। और मैं जब इनका कैंप लगा था जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के, कुछ कैंप के सदस्य गए थे यहाँ से, डॉक्टर साहब गए थे, तो उस कैंप में कैंप लगा, हमें सूचना मिली, हम गए वहाँ और कैंप में हमें जो चेकअप हुए, वहाँ चेकअप से पता पड़ा कि मेरे ज्यादा एलर्जी जुकाम रहता था। तो वहाँ चेकअप हुए तो मेरी नाक में मांस की समस्या बताई थी, मांस बढ़ गया है। तो मैंने वहां जाना और मैंने हॉस्पिटल जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में मैं आया, मैंने काफी और हॉस्पिटल दिखाया पर ऐसी कोई समस्या नहीं दिखी, कोई भी समस्या हल नहीं निकला, मेरा जुकाम लगातार रहता था। मैं दूरबीन हॉस्पिटल आया, यहाँ की व्यवस्था देखी, डॉक्टर साहब यहाँ के बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब हैं, और मेरा ऑपरेशन हुआ, बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन हुआ, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या, आज तक मुझे कोई समस्या नहीं हुई है। उसके बाद मैं यहाँ से, यहाँ की व्यवस्था को देख करके मेरे उसी दिन से मेरे दिमाग में ये हॉस्पिटल बस गया था कि वास्तव में इसकी व्यवस्था है, डॉक्टर साहब है, नर्सेज स्टाफ है, इनका बहुत अच्छा है, हर तरह की सफाई है, यहाँ बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इसके बाद मैं फिर गया वहाँ, एक आध दो और लोगों को बताया, वो भी गए, उनका भी ऑपरेशन हुआ, मेरे चाचा के लड़के भी गए थे तो उनका ऑपरेशन हुआ, सक्सेस ऑपरेशन हुआ है। और इसके बारे में फिर और दो चार और पास के इनको मैंने बताया है, लोग आए हैं और उनका सक्सेस ऑपरेशन हुआ है। फिर मैंने, मेरी माता जी की प्रॉब्लम थी, बहुत दिन से चल रही थी, 15-20 साल की उनके लग गई थी, बहुत अंदर ही पेट में दिक्कत थी उनके, तो बहुत ही बड़ी समस्या थी। मैंने कई बार भरतपुर भी दिखाया तो वहां यही निकल के, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया मैंने तो वहां यही निकल के आया कि इनका ऑपरेशन हुआ। और वहां मेरी माताजी भी इतनी कच्ची हैं कि उनको सुई से भी डर लगता था। तो जैसे ही वहां से डॉक्टर साहब ने परीक्षण देख था कि कुछ दवाई भी लिखी, वो दवाई खिलाए, कोई फायदा नहीं पड़ा। उसके बाद जैसे ही मैंने दूरबीन हॉस्पिटल, मेरे दिमाग में तो था ये मुझे वहां तो दिखाना है, पर वहां के डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि इनके तो ये प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होगी, यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप जयपुर ले जाओ। तो उन्होंने SMS के लिए भेजा हमें, SMS आए हम, वहाँ काफी परेशान हुए, दो दिन तो उनमें चेकअपों में लग गए। उसके बाद जैसे ही मेरी माता जी बहुत घबरा गई थी वहाँ, वो कराने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसके बाद वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था हो गई कि वहाँ हड़ताल हो गई, तो मैंने तुरंत एक्शन लिया और मैंने तुरंत हॉस्पिटल दूरबीन हॉस्पिटल, जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल में मैं तुरंत माता जी को लाया। यहाँ लाते ही उनका एकदम ऐसे, मेरे को भागना दौड़ना नहीं पड़ा, ये व्यवस्था ऐसी थी, एक जगह से ही सब व्यवस्था हो गई, चेकअप वगैरह सब हुए, तुरंत उन्होंने लिया और इनका दूसरे दिन इनका इलाज होने लगा और अच्छा उसका रिजल्ट भी रहा। मेरी माता जी इतनी भयंकर बीमारी थी जिसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, अंदरूनी बीमारी थी बहुत भयंकर। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा था कि किसी भी प्रकार का तुम्हें कोई किसी को पैसा नहीं देना है, कोई सब फ्री है, हमारे साथ ही है आपका, और कोई चीर फाड़ कोई इसमें होगी नहीं, एक जगह से हुआ, दूरबीन हॉस्पिटल है ये। तो इसी प्रकार से मैंने कराया, उनका अच्छा रिजल्ट आया और फिर मेरी माता जी, उनको भी अच्छा लगा कि यहाँ का स्टाफ है, नर्सेज है, बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर साहब है, जो तरीका है, डॉक्टर साहब हर पेशेंट से सुबह शाम दोनों टाइम मिलते हैं, और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर सुशीला जी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, उनके व्यवहार को देखकर मेरी माता जी दोबारा, जैसे ही वहाँ दो दफे हम आए या दिखाया तो फिर मेरी माता जी के कान में भी प्रॉब्लम थी बहुत दिन से, दो साल से। वहाँ भरतपुर भी मैंने दिखाया पर मैं विश्वास नहीं कर रहा था भरतपुर पर, क्योंकि मेरी मम्मी जो हॉस्पिटलों में जो व्यवस्था बहुत ज्यादा बेकार रहती है, क्यों उनको सहन नहीं कर पाती है, नर्सेज है उनको, उनका व्यवहार है वो खराब रहता है। तो जैसे ही मैं उनको लाया, मेरी मम्मी अपने आप अग्रसित हो रही थी कि वहां लेके चल मेरे को दूरबीन हॉस्पिटल में, वहीं कराना, मैं यहाँ नहीं कराऊंगी भरतपुर, मुझे वहीं लेके चल। मैं लाया, मैं भी अपनी पढ़ाई को छोड़ के लाया और यहाँ व्यवस्था हुई और नर्सेज स्टाफ बहुत अच्छा हुआ और ऑपरेशन भी हुआ है और वो खुश हैं, और डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, स्टाफ का, यहाँ की व्यवस्था का मैं आभारी रहूंगा। जय हिंद।